तो फिजिकल वर्ल्ड आपका पहला टॉपिक है फिजिक्स का, जिसमें ये बताया जाता है व्हाट इज़ फिजिक्स। अब ये व्हाट इज़ फिजिक्स में, ये वैसे मुझे पता नहीं आपने सोचा नहीं सोचा, बहुत कम लोग सोचते हैं कि यार ये सब्जेक्ट का नाम फिजिक्स क्यों है, तो मतलब नामकरण किसने कर दिया ये फिजिक्स, तो कहाँ से आया ये नाम। तो फिज़िक्स बेसिकली की हिस्ट्री ये है कि जब कोई साइंस वाला नई अभी अभी शुरुआत हुई थी, तो ह्यूमन की जो नेचर है ना, वो हमेशा क्यूरियस रही है नेचर को समझने के लिए। आज भी आप कहीं भी घूमने जाते हैं, नेचर को समझते हैं, मौसम ऐसा क्यों है, पानी ऐसी क्यों जा रहा है, ये इंसान की नेचर है। तो हमेशा ही अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश की है इंसान ने, जैसे आसमान जो है, जो स्काई जो है ब्लू क्यों है, राइट, रेनबो क्यों बन रही है, या फिर सपोज इसका कलर, किसी भी चीज़ का कलर या ट्री का कलर, किसी पत्तों का कलर ग्रीन क्यों है, या फिर लाइट की स्पीड चेंज क्यों होती है, या फिर तारे देख रहे हैं कितनी दूर हैं, कौन कौन से इतने स्टार्स हैं, कौन सी गैलेक्सी है, या प्लैनेट्स को देखते हुए लोग हमेशा क्यूरियस रहे हैं कि ऐसा कैसे है, मून के ऊपर जाना है, मून गोल क्यों है, या बहुत सारे ऐसे टाइड्स क्यों आते हैं, कुछ भी। तो जितने भी नेचर के फिनोमेनाज हैं उसको समझने की हमेशा कोशिश की गई। तो यहाँ से फिजिक्स का ओरिजिन हुआ। कैसे? ह्यूमन हैव बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम, बता दिया। नाइट स्काई विद बिग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, रेगुलर जो है, जो रेपिटेटिव डे एंड नाइट, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात क्यों आता है, सोचो किसको पता ही नहीं होता उस टाइम, तो पता क्या सोचता है, हो क्यों रहा है ऐसा, समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। सीजन्स क्यों चेंज हो रहे हैं यार, ये गर्मी के बाद सर्दी आई जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है पता ही नहीं, ठीक। और लिक्स क्यों आ रहे हैं, टाइड्स क्यों हैं, वॉल्केनोज क्यों निकल रही है, रेनबो, कुछ भी जो फिनोमेना नेचर में दिखता है सब। तो ऐसा सोचा गया। अब वर्ड साइंस आया। साइंस सिर्फ यही नहीं है कि अपने यहीं का कॉपीराइट है या किसी और कंट्री का कॉपीराइट है, तो ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग थे, हर कोई सोची जा रहे थे कि हो क्या रहा है। तो ऐसे ही जो जिसका ओरिजिन है साइंशिया, या जिसका मीनिंग है टू नो, तो साइंस जो है कहाँ से आ रहा है वर्ड, टू नो, नॉलेज, नॉलेज ऐसा क्यों हुआ, टू नो, तो क्यूरियस टू नो साइंस वर्ड आया। अपने संस्कृत है भौतिक शास्त्रम, आप क्या पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास है आपकी, भौतिक शास्त्रम की क्लास लग रही है, और जिसमें क्या सिखाया जाता है, स्टडी ऑफ मैटर और मोशन और कॉन्सेप्ट सच एज एनर्जी एंड फोर्स, तो हम ये पढ़ रहे हैं आजकल, ठीक है। संस्कृत वालों ने अपना इसका मीनिंग निकाला। फिर अरेबिक में इल्म, तुम्हें इल्म होना चाहिए, मतलब नॉलेज होनी चाहिए, बोलते नहीं है उर्दू में, भाई इतना इल्म नहीं है तुम्हें, तो मतलब कि तुम्हारी नॉलेज नहीं है इतनी, तो भाई नॉलेज वर्ड कहाँ से आया। तो ग्रीक कहते हैं नेचर, ग्रीक जो है वो नेचर बोलते हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है ये फिजिक्स से रिलेट हुआ। और सबसे बड़ी बात, फिलोसफर, बंदा बैठ बैठ सोच ही जा रहा है तारे ऐसे क्यों हैं, चांद ऐसा क्यों है, फिलोसफर, फिजिक्स, तो ये सारी फिलोसफी जो है वो फिजिक्स के अंदर आ गई। तो ये सब्जेक्ट ऐसे बना कि नेचर को, नेचुरल फिनोमेनास को स्टडी किया जाता है, और ये फिजिक्स है। तो साइंस कहाँ, पहले साइंस आई, साइंस सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल एंड यूज द नॉलेज सो गेन टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल द फिनोमेना। जैसे जैसे हम नेचुरल फिनोमेनास को क्यों स्टडी करते हैं, ताकि हम कुछ हद तक फ्यूचर में या फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमें मालूम है कि अब इतनी साइंस तरक्की कर चुकी है, क्या आप ये बता सकते हो रात को 2 से सुबह 5 बजे तक बारिश होगी कि नहीं होगी, आप देखो टेलीकास्ट आ जाता है ना, अब बारिश होगी, तो ये कैसे, नेचर को स्टडी किया, ह्यूमन ने नेचर को स्टडी किया और नेचर को स्टडी करके प्रिडिक्शन दी कि पता है 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद सर्दी होनी होनी है, देखो तो प्रिडिक्ट कर रहे हो आप इस चीज़ को, ठीक। तो पहले स्टडी किया जा रहा है सिस्टमैटिक, फिर उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, और फिर वहाँ से प्रिडिक्शन की जा रही है। तो सिस्टमैटिक स्टडी है, इसको साइंस बोलते हैं, ठीक। तो साइंस एक्सप्लोरिंग है, एक्सपेरिमेंटिंग है, और प्रिडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी कैन सी अराउंड इट। अब इसके अंदर अगर साइंस की क्लासिफिकेशन करें तो 2 टाइप की है, या तो बायोलॉजी है या फिर फिजिकल साइंस है। जो लिविंग थिंग्स है ना, उनको डील करने के लिए बायोलॉजी है, और जो 2 और ब्रांचेस हैं जो फिजिकल साइंस है, 2 मेन फिजिक्स साइंसेज आर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री क्या करती है, किसी भी चीज़ के अंदर के स्ट्रक्चर को स्टडी करती है केमिस्ट्री, और फिजिक्स क्या करती है, नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करती है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस क्या है, टाइम क्या है, मोशन, मैटर, एनर्जी, सब रेडिएशंस,
ये फिजिक्स का पार्ट है। तो बांट लिया गया फिजिकल साइंस को, आधे केमिस्ट्री ले गए, आधे फिजिक्स वाले ले गए। नेचुरल फिनोमेना फिजिक्स में आ गया और स्ट्रक्चर को स्टडी करना केमिस्ट्री में चला गया। ठीक, साइंटिफिक एटीट्यूड। अब साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब आप जो पढ़ रहे हैं आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, दूसरा साइंटिफिक एटीट्यूड में आ जाएंगे। कैसे? इट रिक्वायर्स फ्लेक्सिबल ओपन माइंडेड अप्रोच टुवर्ड्स द सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। फर्स्ट अ सॉल्यूशन इज सजेस्टेड फॉर अ प्रॉब्लम, दिस सॉल्यूशन इज ट्राइड, इफ इट वर्क्स इट्स ओके, इट इज अडॉप्टेड एंड अदरवाइज इट इज रिप्लेस्ड बाय अ बेटर सॉल्यूशन। भाई एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम है कि अगर जैसे मैं बारिश में जाता हूँ, मैं गीला हो जाता हूँ, तो फिजिक्स वाले क्या कहते हैं, अच्छा गीला होता है कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं दिमाग लगाते हैं कि तुम क्या क्या करना चाहिए, छतरी अम्ब्रेला लेते हैं। तो अम्ब्रेला डिज़ाइन कैसा होगा, किसी बंदे ने पहले बनाया होगा, चौरस बनाया होगा, मैंने कैसा बनाया होगा, नहीं सही नहीं है, तो किसी और बेटर बनाया। तो वही तो वो कह रहे हैं, अप्रोच देखो ना कि पहले एक ने चीज़ बनाई फिर उसके बाद दूसरे ने मॉडिफाई किया, तो ओपन माइंडेड अप्रोच है, हाँ ये बेटर है तो बेटर वर्जन को ले लिया गया। कोई भी चीज़ ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसमें ये साइंटिफिक अप्रोच है जो फॉलो की जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच है। साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड क्या है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, जिससे कि साइंटिस्ट क्या करता है, स्टडी करता है नेचुरल फिनोमेना को एंड लॉज बनाता है। तो कोई साइंटिस्ट क्या करेगा, अब न्यूटन है, एप्पल गिरा उसने लॉ बना दिया, अब कितनी स्टडी की होगी उसने बनाने के लिए, लॉ बना दिया, अब वो लॉ आज भी स्टडी कर रहे हैं। अब हम सेब गिर के ये नहीं करेंगे, पहले सेब गिरेगा फिर सोचेंगे देखो ग्रेविटी हो गई, तो वो हो चुका, उसने लॉ बना दिया, लॉ उसके पक्के हैं, वो गलत नहीं हो सकते, आपके सामने रूल बने हुए हैं। तो हम इन लॉज को अप्लाई करके आगे साइंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, पीछे कैसे आया वो नहीं कंटिन्यू कर रहे। तो यही तो अप्रोच है साइंटिस्ट की, कि वो जो काम करके जाएगा उसका आगे का काम हम स्टडी करेंगे। क्लियर है, ये अप्रोच है। और इसके अंदर साइंटिफिक जो अप्रोच है, इसके अंदर मैथमेटिकल मॉडल है, एक्सपेरिमेंटल मॉडल है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, जैसे प्रूव करते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ, या हमने कोई भी चीज़ प्रूव की, ये मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, इसके ऊपर काम किया जाता है और कोई रिजल्ट्स को फॉर्मलाइज किया जाता है। ठीक,